कवर करना, यह 100 दिन में ऐतिहासिक फैसला हुए। मैं मोदी जी को 100 दिन पूरा करने का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कल हो जनजातियों का एक प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री जी से मिला, गीता कोडा जी भी थे और उस डेलीगेशन में मैं भी था। काफी अच्छा बातें हुआ। संविधान का अष्टम अनुसूची में हो भाषा को इंक्लूड करने के लिए डिमांड हुआ। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि हम हो भाषा को संविधानिक मर्यादा देने के लिए जो भी विचार है हम पॉजिटिवली करेगा। मोदी जी का जीवन एक संघर्ष का जीवन है, राष्ट्र के लिए एक समर्पित जीवन है। मोदी जी ने भारत का नेतृत्व लेते हुए भारत को पूरा विश्व में एक महाशक्ति का रूप में उन्होंने प्रतिष्ठा किया। भारत का गरीबों का उत्थान के लिए उनका सारा जीवन उत्सर्गित है। मोदी जी का सपना है बाई 2047 भारत को विकसित भारत बनाना है, महाशक्ति बनाना है। आज का दिन हम यही संकल्प लेता हूं कि मोदी जी ने जो हमें रास्ता दिखाया कि भारत को विकसित भारत बनाना है, उसी काम के लिए पूरा भारतवासी आज का दिन समर्पण का प्रतिज्ञा करे, यही मोदी जी का जन्मदिन का सबसे बड़ा भेद होगा। देखिए, देश का प्रधानमंत्री जी बाई रोड 2 घंटा झारखंड में सफर किया, उससे बड़ा गौरव का बात क्या हो सकता है। हम लोग तो तरसता हूं कि कभी असम का रास्ता से कोई प्रधानमंत्री गुजरे। ये तो झारखंड वासियों का कितना आनंद हुआ कि प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं मिला तो बाई रोड जाके जमशेदपुर का लोगों को मिला। तो ये जेएमएम इसमें क्रिटिसिज्म करने का क्या बात है क्या नहीं है मैं नहीं जानता हूं। अगर हेमंत सोरेन जी को लगता है कि सारे राजनेता खाली हेलीकॉप्टर में ही चलते रहे, ऐसे तो थोड़े देश में देश चलेगा। हमें हेलीकॉप्टर में भी उड़ना चाहिए और बाय रोड भी जाना सीखना चाहिए और जरूरत पड़ने से पैदल भी आगे जाने का सीखना चाहिए। आपुनी बिसरा बातरी पाबो केवल News18 ऐपत। News18 ऐप डाउनलोड करिबोलै स्कैन करक एक QR कोड। Google Play Store तो पाबो ए News18 ऐप।